बहुत मुश्किल है, तो अभी भी जो है हमारी तलाश जारी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। लास्ट टाइम का सफ़र थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहा था, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो टूट गया था और कुछ अच्छी चीज़ें जो हमें मिली थी बाद में वो हम कवर नहीं कर पाए थे। तो आज हम फिर उसी उम्मीद में उसी जंगल में जा रहे हैं, वहीं से शुरू करने वाले हैं और वो सब ढूंढेंगे जो पिछली बार हमें छूट गया है। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया उस वीडियो पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये आज की वीडियो और वो सब चीज़ें ढूंढते हैं जो पिछली बार हमें रह गई थी, एक नए लेंस के साथ और एक नई शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, फाइनली दोस्तों, लास्ट टाइम पे हमने जो है इस एरिया में स्पॉट किया था येलो थ्रॉटेड मार्टिन, तो आज हम फिर उसको देखने के लिए इस जंगल में तलाश करने के लिए आए। देखते हैं, इंशाल्लाह वो यहीं कहीं छुपा होगा इन्हीं झाड़ियों में। तो हम ढूंढते हैं, हमारे साथ बने रहे वीडियो में आगे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं बर्फ भी और यहाँ पे जो है कांटे भी है इन बुशेज में, या आप देख सकते हैं टैरन है। तो हम इस बर्फ के बीच से यहाँ पे जो है जंगली मुर्गे भी मिलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र होने वाला है। हमारे साथ वीडियो में बने रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता भी नहीं है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अब हमें जो है इन झाड़ियों के बीच से निकलते हैं रास्ता बना के। जब हम घर से आए थे तो एकदम जो है शरीर ठंडा फील कर रहा था, लेकिन अभी आपको क्या ही बताऊँ कि कितनी गर्मी जो है महसूस हो रही है जिसम में, क्योंकि चलने के बाद जो बर्फ में मज़ा आता है ना कुछ अलग ही है। देख सकते हैं जड़ी जो है बर्फ से ढकी हुई है और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रास्ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए ज़रा सा भी है, लेकिन हम इन झाड़ियों के बीच से जो है कोशिश करके ऊपर चलेंगे। तो आप देखना झाड़ियाँ हैं कांटों वाली झाड़ियाँ होती हैं, कितने खतरनाक कांटे भी हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। छुप जाते हैं तो बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन एक जो जुनून बर्ड्स को हैबिटेट में या मैमल्स को उनके हैबिटेट में देखने का वो अलग ही नज़ारा होता है। उसको आप फील करिएगा आप हमारे साथ, कितना अलग नज़ारा था। यहाँ बिल्कुल रास्ता क्लोज है, यहाँ से हम ऊपर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत घनी झाड़ियाँ हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि यहीं से हम निकल सकते हैं। तो हम थोड़ा इनको साइड करके ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं इन झाड़ियों के। ये देख सकते हैं और कांटे पूरे शरीर में चुभ गए हैं दोस्तों। बियर ग्रिल्स को फॉलो करते करते हम जो है बियर हिल्स बन चुके हैं इन झाड़ियों के बीच में से। आप देख सकते हैं कितने कांटे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो है, लेकिन अभी भी देख सकते हैं आप झाड़ियाँ कितनी घनी हैं और कांटे इनमें इतने बड़े बड़े कांटे हैं। तलाश हमारी अभी भी जारी है उस खूबसूरत से मार्टिन की, जो इन झाड़ियों को जो है अपना घर कहते हैं। यहाँ पर अक्सर उसका बसेरा होता है, सुबह शाम दिखाई देता है वो यहाँ पर। तो उसी की तलाश जारी रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा आगे से चलते हैं बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कोहरा था वो ख़त्म हो गया है, इस टाइम कोहरा नहीं है और इसलिए बहुत ज़्यादा जो है स्लिप भी हो रही है। आप ये एरिया भी देख सकते हैं, झाड़ियों के बीच से बहुत आसान ही होता है, बहुत मुश्किल है, तो अभी भी जो है हमारी तलाश जारी है। अभी तक जो है हमने बहुत खूबसूरत से जो शानदार परिंदे देखे, जैसे हिमालयन वल्चर, बियर्डेड वल्चर अब तक हम देख चुके हैं और कुछ क्रोज वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो है फीजेंट्स की भी हलचल होती है सुबह शाम, ग्लीज फीजेंट की। तो
हम साइलेंटली आगे की तरफ बढ़ते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. शायद हमें कुछ मिल जाए इन घनी झाड़ियों में जो कि बहुत सारे जानवरों का और परिंदों का घर है. तो माय गॉड गिर गए यहाँ पर दोस्तों. सिर्फ हो गया ऊपर से क्योंकि यहाँ पर झाड़ियाँ थी उनके बीच से जो है सिर्फ होगी. तो फाइनली दोस्तों जो है हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं. यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं कितना ही शानदार नज़ारा है. लेकिन बदकिस्मती से जो है आज हमें जिसकी तलाश में आए थे वो नहीं मिला है क्योंकि ऊपर से आप देख सकते हैं बर्फ़ पिघल चुकी है और शायद इस वजह से वो जो है वो ऊपर माइग्रेट कर चुके हैं. 26 जनवरी की जो बर्फ़ अभी पड़ने वाली है वो कुछ ही दिनों में पड़ेगी तो उसकी वजह से वो नीचे दोबारा से माइग्रेट करेंगे और हम एक नई वीडियो लेकर ज़रूर उनको तलाश करेंगे क्योंकि वो इसी जो ये झाड़ियाँ हैं यही उनका घर है, यहीं पे वो मिलते हैं. जब भी बर्फ़ ऊपर से गिरती है तो वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं. फाइनली दोस्तों जो है हम लोग अब घर की तरफ वापस जा रहे हैं. आप देख सकते हैं कि इस तरीके की लोकेशन में आए थे हम क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बोला कि ऊपर निकल गई है तो अब हम लोग वापस लौट रहे हैं. तो नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए. एक नई वीडियो के साथ हम जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. बाय बाय.